नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे YouTube चैनल सक्सेस माइंड पेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चिकित्सा शास्त्र के बारे में। चिकित्सा शास्त्र के महान आचार्य जिनका नाम है सुश्रुत। क्या नाम है दोस्तों? सुश्रुत। ये सुश्रुत ही थे जिन्होंने ऑपरेशन जो पद्धति है उसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था, इन्होंने नाक, कान व होठ की जो ऑपरेशन की पद्धति है उसको सबसे पहले बताया था। इस कारण इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे जिनको हम सुश्रुत के नाम से जानते हैं। इन्होंने 101 वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में बताया, जो चिकित्सा शास्त्र के 101 उपकरण हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो उपकरण हैं उनको गर्म करें और गर्म करके जो भी रोगाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करने के लिए बताया। इसे कहते हैं अपूर्ति दोष। अपूर्ति दोष को दूर करने या कीटाणु मर जाएं। शल्य चिकित्सा में जब काम में लिया जाता है उपकरणों को तो उनको गर्म किया जाता है। गर्म करके फिर उसको उपयोग में लेना है तो वो होता है अपूर्ति दोष। अपूर्ति दोष होता है कीटाणुओं का मर जाना, फिर उससे हम उपयोग में ले सकते हैं। इन्होंने अपनी जो चिकित्सा संबंधी जो जानकारियाँ हैं वो अपनी पुस्तक में दी हैं और उस पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। क्या नाम है दोस्तों? सुश्रुत संहिता। ये सुश्रुत संहिता है जिसके अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत हैं वो बताए हैं सुश्रुत संहिता के अंदर। सुश्रुत संहिता के अंदर इन्होंने अपनी विशेष जानकारियां प्रदर्शित की हैं और इन्होंने सुश्रुत संहिता में निर्देशित किया है कि विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। मानव जीवन के अंदर साफ सफाई का विशेष योगदान है और साफ सफाई से अन्य बीमारियां हैं जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको दूर रखा जा सकता है। दोस्तों, सुश्रुत हैं वो विश्वामित्र, जो महर्षि विश्वामित्र थे उनके उनके वंशज हैं, विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं। और इन्होंने जो चिकित्सा शास्त्र की जो जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो धन्वंतरी जी के आश्रम से प्राप्त की थी। धन्वंतरी जी के आश्रम से इन्होंने ये जो चिकित्सा शास्त्र की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो प्राप्त की थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आचार्य महाशय सुश्रुत। सुश्रुत संहिता के अंदर इन्होंने ये सारा वर्णन किया है। इन्होंने नाक के बारे में, कान के बारे में और होठ के बारे में, जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके बारे में सबसे पहले बताया था। और ये जो चिकित्सा शास्त्र है उसके महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये विश्वामित्र के वंशज थे, धन्वंतरी जी के आश्रम में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और साफ सफाई के विशेष ध्यान देने के बारे में इन्होंने बताया था। साथ ही साथ जो उपकरण है 101 उपकरण इन्होंने इनके बारे में बताया था। और अपूर्ति दोष होता है जिसमें कीटाणु मर जाए और गर्म पानी के अंदर उपकरणों को रखकर फिर शल्य चिकित्सा के अंदर उनको काम में लिया जाए, ऐसा इन्हें निर्देशित दिया है। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। तो ये थे हमारे महान आचार्य सुश्रुत। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी चिकित्सा शास्त्र के बारे में, सुश्रुत जी के बारे में। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती।